जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रुकेंगे। माननीय कुलपति महोदय आपको संबोधित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन लें। कॉलेज के प्रिंसिपल और टीम मैनेजर से अनुरोध है कि सभी छात्रों को रोकेंगे। यह धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रीय गान होगा, उसके बाद हम लोग सभा को विसर्जित करेंगे। उसके बाद जिनको ग्रुप फोटोग्राफी खिंचवाना होगा वे बाहर में अपना पहले से अरेंज करके रखेंगे और समय ज़्यादा जाया ना हो, ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी। इस बीच एक सूचना देना चाहता हूँ सभी प्राचार्य, मैनेजर, शिक्षक और छात्रों को कि विकसित भारत के लिए हम लोगों को अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसका रिस्पॉन्स देना है, तो इसमें अधिक से अधिक सहयोग दें। हमारे नोडल अफिसर राजीव प्रधान जी हैं, उनसे आप संपर्क कर लें। राजभवन से बराबर मेरे पास अभी भी मेरे पास फोन आया था कि हम लोगों का बहुत झारखंड में रिस्पॉन्स कम है, हाँ झारखंड में रिस्पॉन्स बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हम आपसे अनुरोध करेंगे, खास करके सभी शिक्षकों से और प्राचार्यों से, बच्चों में इतना उत्साह उमंग है, अगर आप कहेंगे तो ये काम हो जाएगा। और जैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय विकसित भारत में रजिस्ट्रेशन और रिस्पॉन्स में भी हमारा विश्वविद्यालय झारखंड में प्रथम हो, यह आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं। और जी इसके बाद साथ ही हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने भी इस आयोजन को पूरा करने में बहुत योगदान दिया, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मेरे सामने विभिन्न छात्र संघों के लोग भी उपस्थित हैं और मैं आपको बताऊं कि डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मैडम की ऑफिस में एक दिन बैठे थे और विभिन्न अलग अलग छात्र संघों के लोगों ने आकर हमको कहा कि हम पूरा योगदान आपके इस आयोजन में देंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये विश्वविद्यालय आपका आभारी है और हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इस बात के लिए। एक बार छात्र संघ के लोगों के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुल सचिव महोदय को बुलाना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए और उसके बाद हम राष्ट्रगान के लिए यहाँ आएंगे। बहुत समय न लेते हुए मैं मुख्य अतिथि जो कि चले गए हैं, मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो आए हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और हमारे बच्चों को जो है अपना प्रेरणादायक भाषण से जो है लाभ दिलाए हमारे बच्चों को। उनके नहीं रहते हुए भी मंच पर मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर आईएसएम वो भी चले गए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार पद्दार शब्दों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मेरे पास स्वर नहीं है, जो कि मैं किन शब्दों से उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं, क्योंकि ये जो आज चौथा युवा महोत्सव सफल हुआ है वो उन्हीं का देन है। क्योंकि सर जब उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने बताने का काम किया था जो कि किस तरह यह प्रोग्राम हो सका चतुर्थ युवा महोत्सव। हम लोगों के पास समय नहीं था सर, नाइट पार्टी में गए हुए थे, वहां से आए और 18 तारीख को उन्होंने रांची जाने का काम किया, गवर्नर साहब से मिले और उनसे मिल करके इस प्रोग्राम के लिए जो है हम लोगों को समय दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी बधाई थी। मैं दिल की गहराइयों से अपने माननीय कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, दिल के ही दर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। डीएसडब्ल्यू मैडम का मुझे याद है, 4 तारीख के रात में हम लोग यहां बैठे हुए थे, मैडम बोली जो कि कुछ सामान हमको खरीदना है, कौशल जी क्या हम जाए, क्या जाइए आप मैडम। वो 5 तारीख को हम लोग जो है अपना रिव्यू मीटिंग किए, 10:30 रात में मैडम बोली जो कि फिर हमसे पूछती है जो कि क्या कौशल जी जाए, हम कह जाइए मैडम। वो इतना मेहनती है लेडीज रहते हुए भी, इनकी आदत है ऑफिस में भी
जब भी वह ऑफिस से निकलती है तो रजिस्ट्रार सेक्शन मेंबर यहाँ आती है और बोलती है, जो कि रजिस्ट्रार साहब है, मैं आपको दिल की गहराइयों से इस सफलता के लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपको, मैं आभार व्यक्त करता हूँ सारे डील्स का, सारे विभागाध्यक्ष का, क्योंकि सारे डील और विभागाध्यक्ष किसी न किसी टीम से जुड़े हुए थे। मैं सबसे अधिक जो धन्यवाद हृदय के मतलब दिल के हृदय से गहरी से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ वो प्राचार्य महोदय का। आज तो यह सफल हो सका यह कार्यक्रम वो प्राचार्य लोगों का देन है, क्योंकि बहुत ही कम समय में उन लोगों को कहा गया और उन लोगों ने प्रतिभागियों का तैयार करने का काम किया। यहाँ तक कि सब ने शुरू में ही कहा बीएसडब्ल्यू मैडम ने बताने का काम की, जो कि हम लोग उनको फाइनेंस भी नहीं मुहैया करा सके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेहनत करके प्रतिभागी को यहाँ भेजने का काम किया और इन प्रतिभागियों के चलते ही ये चतुर्थ युवा महोत्सव सफल हो सका। माननीय जितने भी प्राचार्य महोदय हैं उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सारे प्राध्यापक का, जो कि तन मन से 3 दिन से लगे हुए थे, दिन रात एक करके लगे हुए थे। मैं अपने सभी प्राध्यापक गण का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो दो टीम का नाम हिमांशु जी ने लेने का काम किया। सामने में बैठे हुए हैं रिजल्ट प्रिपेयर टीम, गिरी जी, आरपी सिंह सर, तिवारी जी, ये लोग सारा प्रोग्राम भी नहीं देख पाए और आज जो अभी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं वो ये 3 आदमी का देन है, क्योंकि समय पर जो है ये 3 आदमी रिजल्ट देने का काम किए। अच्छा, रूपम मलिक और नविता मैडम दोनों को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप 5ों के चलते ही ये समय पर जो है कार्यक्रम सफल हुआ, समय पर हुआ। मैं आप 5ों को जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने 3 दिवसीय युवा महोत्सव का सही कवरेज देने का अपने संस्थान के माध्यम से दिया। इसके लिए मैं आपका अब आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने सारे शिक्षकतर कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को, युवा महोत्सव को सफल बनाने का काम किया। मैं आपके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सारे प्रतिभागियों का, ये जो कार्यक्रम ये प्रतिभागियों के चलते ही सफल हुआ। आप लोगों ने इतना बढ़िया ढंग से अनुशासित होकर के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में, युवा महोत्सव में भाग लिया, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ रीता मैडम का, रीता सिंह मैडम का, तनुजा मैडम का, जितने भी हैं जिनका नाम नहीं ले सका, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा ये मंच संचालन कर रहे हिमांशु शेखर चौधरी का, क्योंकि इस मंच पर 4 चांद लगाने का काम किया हिमांशु शेखर चौधरी, केएम सिंह और डीके चौबे ने। मैं आप तीनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज के दिन समापन में हम लोगों के बीच मंच संचालन डीके चौबे भी कर रहे हैं। वह पहला दिन माननीय कुलपति महोदय के कहने पर जो है ना यहाँ आए और सुबह से लेकर के शाम तक मंच संचालन का काम किया। आज उनका पीएफ लोन के लिए आया है मेरे टेबल पर। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कल उनको पीएफ लोन मिलेगा, क्योंकि उनको दिल्ली जाना है अपना निवास के लिए। मैं आपको नहीं रहते हुए भी मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी सहयोग करने का काम किया, मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार। जो भी टीम मैनेजर या प्रिंसिपल हैं,
और जिनके बच्चों को सर्टिफिकेट मिलना है, मेरे दाहिने साइड में सारा आपका फोल्डर तैयार है, आप कृपया यहाँ से ले लें। इस आयोजन के आखिरी सत्र के आखिरी मौके पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि हम राष्ट्रगान में सम्मिलित हो सके। उससे पहले एक जरूरी घोषणा, आदरणीय कुल सचिव महोदय। चूंकि 3 दिन से विश्वविद्यालय के सारे शिक्षकगण शिक्षकेतर कर्मी दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए कुलपति महोदय के आदेश से कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा, पीजी डिपार्टमेंट बंद रहेगा, कक्षाएं बंद रहेगी, लेकिन वीसी सेक्रेटेरिएट और रजिस्ट्रार सेक्शन खुला हुआ रहेगा, दोनों खुला हुआ रहेगा और सभी बंद रहेंगे। एग्जाम यथावत चलेंगे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुख्यालय ऑफिस बंद रहेगा, और बीसी सेक्रेटेरिएट को छोड़ करके विश्वविद्यालय ऑफिस बंद रहेंगे, क्लासेज बंद रहेंगे कल। धन्यवाद।